खबर है गुनोर से, पुष्पराज सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ब्लैकमेलिंग में प्रताड़ना से परेशान जुग्गी बस्ती के लोगों ने खोला मोर्चा। पन्ना जिले के नगर परिषद गुनोर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने पन्ना कलेक्टर को शिकायती आवेदन सौंपकर बताया है कि वह सभी लोग गुनोर के खसरा क्रमांक 14/95/1/14/95/7 में अपने बाप दादाओं के समय से कच्चे मकान बनाकर रह रहे हैं। वर्तमान में कुछ लोगों के पीएम आवास बन चुके हैं तो कुछ लोगों के द्वारा अपनी जमा पूंजी लगाकर स्वयं निर्माण करवाया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में जमीन मध्य प्रदेश शासन बंकर भूमि दर्ज है। पहले क्षेत्र ग्राम पंचायत गुनोर अंतर्गत आता था, लेकिन वर्ष 2019 के बाद गुनोर पंचायत नगर परिषद बन चुकी है। वर्ष 1989 से लगातार कब्जे के रूप में हमारे पूर्वज घर बना कर देते रहे हैं। साल 2022 में न्यायालय तहसीलदार गुनोर में प्रकरण चल चुका है। इसमें सभी के ऊपर 2500, 3500, 4000 रुपए से लगभग जुर्माना भी हो चुका है। कुछ समय से अब्दुल रमजान चौहान और मुकेश पाठक के द्वारा यहाँ रहने वाले लोगों से 50-50 हजार रुपए की मांग की जा रही है और पैसे ना देने पर मकान गिरवाने की धमकी दी गई है। मजदूर पेशा लोग इतनी राशि देने में सक्षम नहीं है। इससे उक्त दोनों व्यक्तियों के द्वारा साजिश के तहत फर्जी शिकायत कर गरीब परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि इस मामले की पहले भी जांच की जा चुकी है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा की गई शिकायत पूरी तरह से निराधार है। सैकड़ों लोगों ने सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचकर फर्जी शिकायत कर प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह कर बस्ती के लोगों को ब्लैकमेल व प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज एक भीड़ देखने को मिल रही है, गुनोर से आई है मजदूर की भीड़ है ये, मजदूरों की, और इनके के लिए पैसा मंगाया जा रहा है। क्या मामला है पूरा? मामला ये गुनोर का है। वर्ष 2019 में गुनोर ग्राम पंचायत थी, 19 के बाद में ये नगर पंचायत हुई है। ये जो सभी लोग आदिवासी SC ST OBC सामान्य वर्ग से आए हैं, ये कम से कम 50 परिवार हैं। ये 1495/1 और 1495/7 ये मध्य प्रदेश सरकार की बंजर भूमि है। यहाँ पे कुछ नहीं था, लगभग 25 से 30 वर्षों से इनके पूर्वजों ने वहाँ पे मकान बनाए। अधिकांश लोग गुनोर में लगभग 80 एकड़ जमीन में लोगों आके बस गए हैं। इसमें से 1495/1 और 1495/7 की मुकेश पाठक, जिसके ऊपर पन्ना जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में 9 से अधिक अपराध दर्ज हैं, ये व्यक्ति आरोपी प्रवृत्ति का है, ये पेशेवर व्यक्ति है, और इसके साथ में अब्दुल रमजान मुसलमान, ये दोनों व्यक्ति मिलके इनने एक योजना बनाई कि इन लोगों को ठगा जाए। एक महीने से ये 50-50 हजार रुपए की जाके गुनोर में मांग कर रहे थे। इन लोगों के द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया। इन्होंने कलेक्टर पन्ना को एक आवेदन पत्र दिया, जिसके तहत कलेक्टर पन्ना ने उस प्रकरण की संपूर्ण नस्ती मांगी है। ना सीमांकन के लिए लिखा है, ना तरवीम के लिए लिखा है। यहाँ बैठे अधिकारी भी इन लोगों से साठ गांठ किए हुए हैं और इनको लगातार वहां पे परेशान कर रहे हैं, घर गिराने की धमकी दे रहे हैं। अगर जो है इनके घर गिराए जाते हैं तो ये मजदूर जो अपनी मजदूरी से कहीं कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई पटना में है, ये मजदूरी से अपने परिवार का भरण पोषण करके बच्चों को पालते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। और ये दोनों आरोपी, इनके ऊपर ना तो पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई की है, ना ही इस दोनों व्यक्तियों के ऊपर जो अपराध दर्ज हुआ है गुनोर में, 1-1.5 माह हो चुका है, इसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। और ये लगातार इसके बाद भी कहीं लोकायुक्त में शिकायत कर रहे हैं, लोगों को ये भू माफिया बना रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। ये 20 साल से इन दोनों व्यक्तियों का यही धंधा है। आज कलेक्टर से हम लोग मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो पूर्व में जांच हुई है उस जांच को देखा जाए। इन सबके जुर्माना हो चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास ऐसे नहीं बन जाता है, सरकार उसमें पूरी जमीन की जांच करती है तब इनको प्रधानमंत्री आवास देती है। ये दोनों व्यक्ति मुकेश पाठक और रमजान चौहान 20 साल से पन्ना की गरीब जनता को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनको तत्काल इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है 2 दिवस के अंदर, तो इनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल की जाएगी। इस संबंध में आज ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दे रहे हैं और मुख्य सचिव को भी ज्ञापन दे रहे हैं और प्रमुख सचिव को भी ज्ञापन दे रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी हम सभी जनता को लेकर भोपाल जाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम? गुनोर से हैं जी। गुनोर से आए हुए हैं 30-35 लोग हैं। हम लोगों के मकान 1495/1/1495/7 में बने हुए हैं। अब्दुल रमजान और मुकेश पाठक द्वारा हम लोगों को पहले 1 महीना पहले जाकर पैसा मंगाया गया था 50-50 हजार रुपये कि तुम पैसा दे दो तो हम पट्टा बनवा देंगे, तो अगर नहीं दियोगे तो हम तुम्हारे घर गिरवा देंगे।
कौन है अब्दुल रमजान और मुकेश पाठक? पहले अभी मुकेश पाठक पहले पत्रकार थे, अब नहीं है। और अब्दुल रमजान चौहान पन्ना से। अच्छा, तो जब हम लोगों ने पैसा नहीं दिए तो उन लोगों ने सर कलेक्टर साहब ने शिकायत कर दी हम लोगों की कि अगर इनके अतिक्रमण किया गया है और भूमाफिया बना दिया दूसरे लोगों को, तो सर ना तो हमने जमीन खरीदी है और ना किसी व्यक्ति ने हम लोगों को बेची है। हम लोगों के बाप महाताया 30-35 साल से घर बनाए हुए हैं और पहले कच्चा बने थे। कुछ लोगों के सर आवास आ गए, कच्चा गिरा के आवास बनवा लिए हैं और कुछ लोग मजदूरी करके किसी प्रकार से एक कमरा दो कमरा कोई सीटें छाए कोई किसी प्रकार से निर्माण करे हुए हैं। तो हम लोगों से कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हम लोगों को वहाँ की जांच रुकवाई जाए और इन दोनों लोगों पर मुकेश पाठक और अब्दुल रंजन चौहान पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी आप इसलिए आए जी के हमारे गुनौर से आए हुए हैं हम और हमारे मकानों में कार्रवाई हो रही है। तो ये चौहान पाठक हैं और रमजान वो हैं। तो ये कह रहे थे कि हमको 50-50 हज़ार रुपये दो, तो हमने नहीं दिए तो बोलते तुम्हारा मकान गिराया जाएगा। फिर तो अब यहाँ शिकायत लेके आए हुए हैं। कहाँ आई हैं? कलेक्टर पन्ना। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चौधरी हैं जी। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हम हमारा मकान गिराया ना जाता। क्या करते हैं आप लोग? हम मजदूरी कर रहे हैं। कितने परिवार हैं इसके? हमारे यहाँ बहुत परिवार, कम से कम 50 घर की बस्ती है जी। आपकी मांग पूरी तो क्या होगा, आप आगे क्या करेंगे? अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हड़ताल करेंगे, कहाँ बाल बच्चे लेके जाएंगे? गरीब बंदा। कब से रह रहे हैं वहाँ? यहाँ हम 30 साल से रह रहे हैं जी। अभी तो उन्होंने ये कहा कि मैं जांच के लिए गुनौर भेज रहा हूँ। अच्छा, आपकी मांग पूरी नहीं तो क्या करते आगे? अगर मांग पूरी अगर हमारी नहीं होती सरकार, तो हम यहीं पर भूख हड़ताल करेंगे कलेक्टर के सामने। कितने लोग ऐसे हैं? 35 लोग हैं साथ में सब लोग। कहाँ से आए हैं और क्या नाम? गुनौर से आए हैं, वार्ड नंबर 14 नगर परिषद गुनौर। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश पटेल।